कुछ लोग कहते हैं मैंने तो सिर्फ बोला, कुछ किया थोड़ी, कुछ किया नहीं। इस्लाम ये बताता है कि जुबान से कुछ कहते हैं ये भी एक अमल है, जैसे हाथ से कुछ कर रहे हैं तो अमल है, जुबान से कुछ कहते हैं ये भी एक अमल है, ये भी एक काम है। हाथ का काम काम, जुबान का काम काम नहीं है, वो भी काम है। कुरान की आयत है सूरह काफ की, सूरह नंबर 50 आयत नंबर 17-18। अल्लाह सुबहान तआला ने इस आयत में फरमाया, इद यतलकल मुतलकियानी अनिल यमीनी व अनिल शिमाली कईद, जब दो हासिल करने वाले जो सीधी तरफ दाईं तरफ और बाईं तरफ उल्टी जानिब बैठे हुए होते हैं, फरिश्ते क्या रिसीव करते हैं? हमारे आमाल को रिसीव करते हैं, वो हासिल करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो दो फरिश्ते हैं। अब आयत के अंदर क्या जिक्र है वो बात सुनिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, जुबान से कोई कौल नहीं निकलता, कोई कौल नहीं निकलता सिवाय कि उसके पास फरिश्ते हैं जो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये नहीं दिया हुआ है कि बोलने से क्या होता है, कुछ किया थोड़ी, ये तो सिर्फ कहा नहीं, बल्कि क्या पता चला कि जो जुबान से कही हुई बातें हैं वो भी पूरी तरह से महफूज होती है, रिकॉर्ड होती है, और कयामत के दिन जो ज़र्रा ज़र्रा हिसाब में आने वाला है, फ़मैया अमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो ज़र्रा बराबर भी खैर करेगा देखेगा, वमैया अमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो ज़र्रा बराबर भी शर किया अमल किया देखेगा। तो ज़ुबान से की हुई छोटी और बड़ी तमाम के तमाम चीज़ों को हम देखने वाले हैं, इस बात में कोई शक ही नहीं है, डाउट ही नहीं है।